जो भी भक्त एकादशी के दिन इस कथा को सुनते हैं उनके घर में धन संपत्ति से भर जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के शरीर से ग्यारस माता की उत्पत्ति हुई थी। इसी वजह से भगवान विष्णु ने ग्यारस माता को यह वरदान दिया था कि जो भी मनुष्य एकादशी के दिन ग्यारस व्रत करेंगी मैं उन पर प्रसन्न होकर मनोवांछित वर प्रदान करूंगा। तो आइए सुनते हैं एक ग्यारस माता की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसकी नई शादी हुई थी। वह नया वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई लेकिन कीचड़ होने की वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने सेठ को वहां से गुजरते देखा तो उसने सेठ से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा, मैं नया वस्त्र पाना हूं और मैं अपने ससुराल जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गई और वह कीचड़ में धंसती जा रही थी। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब सेठ डर गया और गाय से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहां रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा, जब सभी लोग इतना कराए हैं तो आप एक दिन क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपनी पत्नी को गाय के श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहा था। कुछ दिनों बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी कर। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर आई और नगर के राजा के यहां मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहां बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही बात कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति है। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 ग्यारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। पहले हम आपको 11 का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 व्रत रखने पर 11 पूरा होता है और 22 एकादशी रखने पर 2 11 पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हैं उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 111 का व्रत नहीं किया था। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 पूरे कर ली थे। राजा ने उस बुढ़िया को एकादशी का फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 111 का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 111 का फल वह खुद अपने लिए ही रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और बैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 111 का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 111 कम होने की वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। एकादशी व्रत की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने 111 खुद पूरी करने का निश्चय किया। उन दोनों ने मिलकर एक बार एकादशी के व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी पूंछ भी गायब हो गया। बोले, विष्णु भगवान की जय, भोले भारत माता की जय।